फिर से मेरे चैनल पर आप सबको स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था, रीजनिंग तीन टाइप का होता है, तीन टाइप का पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हम लोग का वर्बल रीजनिंग, दूसरा नॉन वर्बल, तीसरा लॉजिकल। और कौन सा एग्जाम में आता है या फिर रीजनिंग क्वेश्चन कौन सा एग्जाम में पूछता है वो भी मैं बताया था। आज पहला पार्ट वर्बल रीजनिंग को शुरू करूँगा मैं। वर्बल रीजनिंग मतलब यहाँ पे एक चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूँ, जो चैप्टर का नाम है डायरेक्शन टेस्ट। अब डायरेक्शन टेस्ट कौन सा एग्जाम में आता है, बैंक चाहे बैंकिंग देखो, बैंकिंग में एग्जाम में आता है, एसएससी में आता है, रेलवे में आता है, इवन हम लोग का टीचर एंट्रेंस एग्जाम में भी आता रहता है, ठीक है। तो डायरेक्शन का मतलब क्या है, दिशा। और हम लोग का चार दिशा है, चार डायरेक्शंस बेसिकली है, ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ। ये चार को पहले जान लीजिए कि इसमें से क्या क्वेश्चन हम लोग का पूछते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ मैं बोलने जाऊँगा, अगर डायरेक्शन देख रहा हूँ तो पहले कौन सा डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे बोर्ड में कौन सा पार्ट कौन सा दिशा को इंडिकेट करता है। यहाँ पे मैं इंडिकेट कर सकता हूँ, ये टॉप टॉप है, टॉप हमेशा नॉर्थ होता है, तो बॉटम क्या होगा हम लोग का साउथ। राइट साइड होता है हम लोग का ईस्ट एंड लेफ्ट साइड होता है वेस्ट। ये मैनर में हम लोग को याद रखना है, टॉप इज नॉर्थ, बॉटम इज साउथ, लेफ्ट इज वेस्ट, राइट इज ईस्ट। वैसे अगर एक पॉइंट को मैं कंसिडर करूँ तो मेरा चार डायरेक्शन आता है। ये सबसे बेसिक पॉइंट है। और एक बार डायरेक्शन में क्या चाहिए, हम लोग के हिसाब से कौन सा डायरेक्शन क्या आता है वो भी हमें पता लगाना होता है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, मैं खुद एक पॉइंटर हूँ जहाँ पे मैं अटेम्प्ट चार डायरेक्शन पॉइंट कर सकता हूँ। मेरा फेसिंग डायरेक्शन एक हुआ, बैक डायरेक्शन एक हुआ, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन एक हुआ, राइट हैंड साइड डायरेक्शन एक हुआ, एट टाइम मैं चार डायरेक्शन को पॉइंट कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये बोलने का तरीका क्या है या फिर ये बताने का मतलब क्या है कि जब मैं एट टाइम फोर डायरेक्शन पॉइंट करता हूँ, इसका मतलब मेरा फेसिंग डायरेक्शन एक तरफ होता है, उसके हिसाब से मेरा बैक भी एक तरफ होता है, और उसके हिसाब से मेरा लेफ्ट भी एक तरफ होगा, राइट भी एक तरफ होगा। वैसे यहाँ पे मुझे पता लगाना है, अगर मेरा फेसिंग डायरेक्शन एक हुआ तो लेफ्ट कौन सा तरफ आएगा, राइट कौन सा तरफ आएगा, ये मुझे सबसे पहले चाहिए। क्योंकि अगर इसको अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग का डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जान लीजिए, अगर मैं मेरा फेसिंग डायरेक्शन में देखता हूँ, उसके हिसाब से मेरा लेफ्ट क्या आएगा और राइट क्या आएगा, ये मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। नॉर्मली हम लोग का फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ होता है। अगर ऐसे मैं देख रहा हूँ, मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूँ, तो ऐसे अगर नॉर्थ हुआ तो लेफ्ट किस तरफ होगा, मैं बेसिकली बता रहा हूँ, वेस्ट होगा मेरा लेफ्ट, तो लेफ्ट इज वेस्ट एंड राइट इज ईस्ट। वैसे इसको अगर उल्टा कर रहा हूँ, फेसिंग डायरेक्शन साउथ हो रहा है तो लेफ्ट होगा तुम्हारा ईस्ट, राइट होगा वेस्ट, क्लियर, ओके। अभी अगर मैं ईस्ट की तरफ फेस कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे लेफ्ट क्या होगा ये जान लीजिए, लेफ्ट होगा हमारा नॉर्थ, राइट होगा हमारा साउथ। एंड अगर वेस्ट की तरफ फेस कर रहा हूँ तो ये होगा साउथ, ये होगा नॉर्थ। ये सबसे बेसिक पॉइंट है हम लोग का डायरेक्शन टेस्ट के लिए। अगर इसको समझ में नहीं आया, ये याद नहीं है, तो क्वेश्चन करना हम लोग के लिए नामुमकिन हो जाएगा या फिर थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, ओके। यहाँ से अभी ये टेबल से मुझे दो चीज़ निकालनी है। जैसे कि पहला मैं बता रहा हूँ, अगर मेरा फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ हुआ तो उसके हिसाब से लेफ्ट क्या होगा, राइट क्या होगा, ये मुझे पता लगाना है। दूसरा, अगर लेफ्ट और राइट दिया रहता है तो मुझे फेसिंग डायरेक्शन भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछा होगा कि मेरा राइट हैंड साइड ईस्ट हुआ तो फेसिंग डायरेक्शन क्या होगा, देखिए राइट हैंड साइड तो यहाँ पे ईस्ट है, फेसिंग डायरेक्शन क्या होगा नॉर्थ। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है नॉर्थ, देन फेसिंग डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ दिया हुआ है तो फेसिंग डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे ईस्ट होगा। वैसे मुझे याद रखना है या फिर ऐसे मुझे देखना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन दो टाइप का आता है, यहाँ पे नॉर्मली दो टाइप का आता है, जो कि पहला हुआ फेसिंग डायरेक्शन से लेके लेफ्ट और राइट टर्न निकालना, और दूसरा लेफ्ट और राइट से फेसिंग डायरेक्शन निकालना। फेसिंग डायरेक्शन से लेके लेफ्ट और राइट निकालना, ये नॉर्मली जनरल डायरेक्शन क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे जनरल डायरेक्शन क्वेश्चन मतलब जहाँ पे तुम्हारा डायरेक्शन तो यूज होता है, उसके साथ 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 डिस्टेंस भी तुम्हारा यूज होता है। लेकिन जब लेफ्ट और राइट दिया रहेगा, फेसिंग डायरेक्शन हम लोग को निकालना है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये एक ही टाइप का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, जो कि तुम्हारा हम बोल सकते हैं सनराइज एंड सनसेट क्वेश्चन बोलते हैं उसको, सनराइज एंड सनसेट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा डिस्टेंस थोड़ा सा भी यूज नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे जनरल डायरेक्शन पे
तुम्हारे डिस्टेंस यूज कर सकता है और नॉर्मली डिरेक्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये थोड़ा मेरा लंदी है, पहले चार डायरेक्शन देखेंगे उसके बाद आठ डायरेक्शन देखेंगे, इसीलिए पहले मैं इसको छोड़ रहा हूँ, पहले सनराइज एंड सनसेट क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जनरल डायरेक्शन बताऊंगा, ठीक है? ओके। अगर मैं सनराइज एंड सनसेट देख रहा हूँ तो सिंपल क्वेश्चन है, जरा सा सिर्फ समझना है और कुछ नहीं। सनराइज मतलब सूर्योदय, सनराइज कौन सा तरफ कौन सा दिशा में होता है, हम लोग के ईस्ट में सनराइज होता है, ये हुआ ईस्ट सनराइज होता है, और वेस्ट में हम लोग का सनसेट होता है। और सनराइज का टाइमिंग क्या है, मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग कौन से का कर लेता हूँ, मॉर्निंग में सनराइज होता है और सन ईस्ट में रहता है। यहाँ पे वैसे क्वेश्चन क्या है, सनराइज एंड सनसेट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मली शेडो का फॉर्मेट को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। वैसे अगर मॉर्निंग हुआ सन यहाँ पे ईस्ट में रहेंगे, अगर सन ईस्ट में है तो सनशाइन भी ईस्ट की तरफ से आएगा। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ या फिर आप खड़े हैं, अगर सनशाइन अभी ईस्ट की तरफ से आ रहा है तो शेडो किस तरफ आएगा, हम लोग का वेस्ट की तरफ आएगा शेडो, और ये हमेशा के लिए सेम होगा। आज भी वेस्ट के लिए वेस्ट में आ रहा है शेडो आ रहा है, कल भी शेडो वेस्ट में आएगा, परसों भी शेडो वेस्ट में ही आएगा। और एक बात, सिर्फ मेरा नहीं, चाहे दुनिया में जो कोई भी हो उसका शेडो हमेशा मॉर्निंग में वेस्ट की तरफ आएगा। वैसे इवनिंग टाइम में जो कि सन हमारा वेस्ट में रहेंगे, इसीलिए सनशाइन वेस्ट की तरफ आएगा और शेडो हमारा ईस्ट में आएगा, शेडो हमारा ईस्ट में आएगा, मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मॉर्निंग हुआ सन ईस्ट में तो शेडो वेस्ट में, शेडो वेस्ट में। वैसे अगर मैं इवनिंग कंसीडर कर रहा हूँ, इवनिंग का मतलब सन होंगे वेस्ट में और शेडो होंगे ईस्ट में, ये दो चीज मुझे याद रखना है। मॉर्निंग मतलब सन ईस्ट में रहेंगे, शेडो वेस्ट में आएगा, और इवनिंग मतलब सन वेस्ट में रहेंगे और शेडो ईस्ट में आएगा, ये दो चीज याद रख लीजिए, इसको ही लेके हमें क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? अब मेरा यहाँ पे पहला क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, मान लो मेरा क्वेश्चन ये है, एक दिन मैं सुबह खड़ा हुआ था या फिर चाय पी रहा था दुकान पे या फिर गार्डन पे जॉगिंग कर रहा था, मैं अचानक देखा कि मेरा शेडो जो आता है, मेरा जो शेडो आता है, मैं अपना शेडो को देख रहा हूँ, कौन सा तरीका, मेरे ही राइट हैंड शेड में देख रहा हूँ। थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरा भी चार डायरेक्शन से आता है, फ्रंट हो सकता है, बैक हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है। वैसे यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा शेडो मेरा राइट पे आता है, ठीक है? अगर मेरा शेडो मेरा राइट पे आता है तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मैं कौन सा डायरेक्शन फेस किया हुआ था, ठीक है? सिंपल सा जवाब यहाँ पे दे रहा हूँ, राइट मतलब मेरा शेडो आ रहा है। अभी मॉर्निंग बोला हूँ, मॉर्निंग में शेडो कौन सा डायरेक्शन हुआ, शेडो इक्वल टू वेस्ट डायरेक्शन। अभी वेस्ट मेरा राइट हुआ, समझ आता है, वेस्ट मेरा राइट हुआ, वेस्ट अगर मेरा राइट हुआ तो फेसिंग डायरेक्शन क्या होता है, हम लोग का साउथ होता है फेसिंग डायरेक्शन, क्लियर? ऐसे ही हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, वैसे अगर मैं बोलता हूँ कि इवनिंग में तुम्हारे इवनिंग में क्वेश्चन दिया हुआ है, इवनिंग में मैं खड़ा हूँ और मेरा शेडो मेरा राइट पे आ रहा है, इवनिंग मतलब शेडो कौन सा डायरेक्शन आएगा, ईस्ट। अभी ईस्ट मेरा राइट हो गया, अगर ईस्ट मेरा राइट हो गया तो फेसिंग डायरेक्शन कहाँ पे आता है, नॉर्थ। ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछता है, सिंपली यही तुम्हारा टाइप वन है। उसमें से और एक क्वेश्चन देखेंगे, मान लो यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि At dusk, a person was standing near an electric pole. If found, shadow of the pole in his left, then in which direction
was he passive? ठीक, ये मेरा क्वेश्चन है, फिर से मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को. At dusk, a person was standing near an electric pole. If he found his shadow of the pole, if he found the shadow of the pole in his lap, then in which direction was he facing? Okay, यहाँ से मैं मुझे क्या मिल रहा है? और इंस्ट्रक्शन मुझे क्या मिल रहा है? डस्क, डस्क का मीनिंग क्या होता है? इवनिंग. ठीक है, डस्क का मतलब इवनिंग होता है. अभी इवनिंग मतलब सन रहेंगे वेस्ट में, तो शेडो की कौन सा दिशा में आएगा? शेडो आएगा ईस्ट में. ये हुआ मेरा शेडो. ठीक है, अभी शेडो का डायरेक्शन मतलब पता चल गया ईस्ट. अभी उसका शेडो या फिर पोल का शेडो कौन सा दिशा में आता है? उसका लेफ्ट, मतलब यही ईस्ट. क्या हो गया? वो आदमी का लेफ्ट हुआ. अगर अब ईस्ट लेफ्ट हुआ तो फेसिंग डायरेक्शन क्या आना चाहिए? आंसर होगा साउथ. ठीक है, पसंद लग गया? यह है तुम्हारा फर्स्ट टाइप जो कि सनराइज एंड सनसेट क्वेश्चन का समझाता है. देखिए ये टाइप का और भी क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको पता लगेगा, तो देखिए. अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बताइए. तब तक के लिए मैं चलता हूँ. नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट टू देखेंगे जो कि हमारा जनरल डायरेक्शन टेस्ट होता है. ठीक है, उसमें से डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी आएगा, वो भी देखेंगे कि कैसे हम लोग का क्वेश्चन बनाना है. और सारा का सारा सिंपल सिंपल ट्रिक्स भी मैं धीरे धीरे करके आप लोग को दूंगा. तब तक के लिए थैंक यू.